जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई चाहता है कि वह सुख समृद्धि पा सके, उसके पास हर वो सुख संपन्नता हो जो वो पाना चाहता है। लेकिन संपन्नता और समृद्धि बिना माता लक्ष्मी के मिलना नामुमकिन है। लक्ष्मी माँ को धन की देवी ऐसे ही नहीं कहा गया है। व्यापार का न चल पाना और हमेशा घाटे में रहना, बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर रोजगार अथवा नौकरी नहीं लग पा रही है या पैसों का व्यर्थ में इधर उधर खर्च हो जाना, ये सभी परेशानियां माता लक्ष्मी की कृपा न होने के कारण होती है और उनके रुष्ट हो जाने के कारण होती है। दोस्तों, आज हम आपको दो ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जिनको आप अपने घर में लगाते हैं और पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर अवश्य ही बरसेगा और उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। धीरे धीरे आपकी भी सभी परेशानियाँ खत्म होने लगेगी। दोस्तों, सभी लोगों की चाह होती है कि उनके घर में सुख समृद्धि की बारिश होते रहे और उनके घर का वातावरण हमेशा सुखद बना रहे। इसलिए बहुत से लोग अपने घर में कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाते हैं जिनसे उन्हें लाभ मिले। लेकिन दोस्तों, कुछ पौधे और फल माता लक्ष्मी को प्रिय होते हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इन दो पौधों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इन दोनों में से कोई भी पौधा अगर आप अपने घर में लगाते हैं, ऐसे घर में गरीबी और दरिद्रता अपने अशुभ कदम बिल्कुल नहीं रखती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कमल के फूल की। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि इसे घर में रखना कैसे है और लगाना कैसे है। दोस्तों, आपको करना क्या है कि घर के मंदिर में एक कमल का फूल माता लक्ष्मी को चढ़ा देना है और एक शीशे का ग्लास आप लें और शीशे के ग्लास में आप थोड़ा सा पानी भरकर कमल के फूल की जो टहनी होती है उसे पानी में लगा दें। इससे बहुत ही लंबे समय तक आप उस पुष्प को जीवित रख सकते हैं। आप इसे अपने घर में रख पाएंगे, इसलिए जब ये सूख जाता है तो आप इसे किसी भी मंदिर में रख दें और दोबारा बदल दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी तथा धन दौलत और सुख समृद्धि बढ़ते ही रहेगी और बढ़ना शुरू भी हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो पौधा है वो अत्यंत शक्तिशाली है। माना जाता है कि अगर यह घर में या घर के आसपास भी हो तो ऐसे घर पर कभी भी बुरी नज़र या काला जादू का असर बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों, हम जिस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे महादेव का आशीर्वाद भी कहा गया है। इस पौधे को घर पर रखने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तो आपको मिलता ही है, साथ ही स्वयं महादेव भी आप पर कृपा करते हैं। दोस्तों, ये पौधा है आंकड़े का पौधा, जिसे हम आंख का पौधा भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर यह पौधा घर के सामने लगा दिया जाए तो आपके घर में निरंतर माँ लक्ष्मी का आगमन होते रहेगा, यानी पैसे आपके घर में कभी कम नहीं पड़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र भी यह मानता है कि जिस घर के आसपास ये आंकड़े का पौधा लगा होता है उस घर पर कभी भी बुरी नज़र नहीं पड़ सकती। इस पौधे के प्रभाव से घर के सदस्यों के बीच हमेशा प्यार बना रहता है। घर की शांति बरकरार रखने के लिए इस पौधे को सर्वोत्तम माना गया है। इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं या राहु केतु के बुरे प्रभाव से आपके बने रहने के कारण आपका हर काम बिगड़ जा रहा है तो बस आप इस पौधे को अपने घर के आसपास कहीं लगा दें। आपके घर में हमेशा सुख संपन्नता का आप अनुभव करने लगेंगे। अगर आपको यह पौधा नहीं भी मिल पा रहा है
तो इसका जो जड़ होता है उसे आप कहीं से लेकर आ जाएं और लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के मंदिर में लगा दें। इससे आपके जीवन में जो भी परेशानियां बार बार लौट कर आ जाती हैं, जो परेशानियां आपके घर को छोड़ नहीं रही हैं, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। और साथ ही आप एक मंत्र को दोहरा दें। यह मंत्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, ध्यान से सुने। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। ध्यान से सुने, ओम ह्रीम ह्रीम कष्टम स्वाहा। ठीक है, ओम ह्रीम ह्रीम कष्टम स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र के जाप से आपके जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वह स्वतः ही दूर होने लग जाएंगी। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, आप कभी भी आप बोल सकते हैं। और ख़ासकर जब आँख के जो जड़ है आप उसको रखने जाएंगे, उस समय इस मंत्र को बोल दें, आपकी सभी परेशानियां स्वतः ही ख़त्म हो जाएंगी। ये था एक बहुत ही छोटा सा वीडियो। ये दोनों ही पौधे आपके लिए बहुत ख़ास हैं आपके जीवन में। या तो आप कमल के पौधे का उपाय कर लें, या फिर आप आंकड़े की जड़ का उपाय भी कर सकते हैं। बहुत ही खास उपाय है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।